हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बॉल वर्ल्ड में। शाम होते ही कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो आज मैंने काले चने की एक छोटी सी चाट बनाया है। इसके लिए सबसे पहले मैंने काला चना ले लिया, उसको 2-3 घंटे के लिए भिगो लिया, फिर उसको बॉईल कर लिया। बॉईल करते वक्त मैंने उसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल लिया था। बॉईल होने के बाद आप काले चने को पानी से अलग कर लीजिए। अब हम इसको थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। उसके लिए तड़के के लिए कढ़ाई में सरसों का तेल, लाल मिर्च डाल लीजिए और उसमें जीरा डाल लीजिए। जीरा जैसे ही चटकने लगे तो आपका जो बॉयल किया हुआ काला चना है वो इसमें डाल लीजिए। अच्छी तरह इसको फ्राई कर लीजिए। उसके बाद आप काले चने को, जो आपका फ्राई किया हुआ काला चना है, उसको एक बोल में उतार लीजिए। अगर आपको लगता है कि काला चना जब आप बॉयल कर रहे थे तब उसमें नमक थोड़ा कम है, तो आप नमक भी डाल सकते हैं। बॉल में उतारने के बाद आप, जब ये काला चना थोड़ा ठंडा हो जाए, आप इसको आप गार्निश करेंगे। कटे हुए प्याज, उसके बाद थोड़ा टमाटर, थोड़ा खीरा, उसके बाद आप इसमें डालिए धनिया पत्ता, और अगर आपको मिर्च पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च डाल लीजिए। इन सबको डालने के बाद आप इसमें एक नींबू निचोड़ लीजिएगा। नींबू आपको जितना चाहिए वैसे ही निचोड़िएगा। नींबू निचोड़ने के बाद आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालिए, और अगर आपको काला नमक पसंद है तो थोड़ा काला नमक भी आप इसमें डाल सकते हैं। सब कुछ डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए, और आपका चाट पूरा तैयार है। यम्मी चाट बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको खा के देखिए, मीन्स आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और ये हेल्दी भी बहुत होता है। इसमें थोड़ा सा ही तेल है और बाकी सब आपके लिए बहुत ही हेल्दी है। ज़रूर बनाइए। बनाने के बाद हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा।